नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी लेकर के आए हैं। जी हाँ, झारखंड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार अभी अभी भी है, लेकिन बस बहुत ही जल्दी आ जाएगा आप लोगों का ये वैकेंसी वगैरह झारखंड में। और बहुत सारा पदों के लिए आ रही है वैकेंसी, पंचायत सचिव, राजस्व विभाग, IRB, फिर से दरोगा, वायरलेस दरोगा, जो हम लोग रेडियो सॉरी वायरलेस दरोगा इस बार होगा, और बहुत सारा वैकेंसी है, कक्षपाल, राजस्व अमीन वगैरह, बहुत सारा वैकेंसी आ रही है। जी हाँ, बहुत सारा, और 37,000 पदों पर इस बार नियुक्ति मतलब होना है इस बार झारखंड में। और अक्टूबर से स्टार्ट होगा या फिर से, जी हाँ, अक्टूबर से स्टार्ट होगा, भेज दिया गया है। अक्टूबर में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा फिक्स कर दिया है, ऐसा बोल रहा है, नोटिफिकेशन अक्टूबर में आज आ जाएगा। और सही सुन रहे हैं आप सही सुन रहे हैं ये कि झारखंड में फिर से नियुक्ति, पंचायत सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय सहायक, दरोगा, कक्षपाल, बहुत सारा वैकेंसी होनी है फिर से। मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी क्षेत्र में कितना कितना वैकेंसी है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको सारा मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि किस किस क्षेत्र में कितना कितना वैकेंसी है। जी हाँ, देखिए, विभिन्न विभागों में प्रमुख रिक्तियाँ, जिसमें स्कूली शिक्षा विभाग, साक्षरता विभाग में से जिसमें स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक के लिए 18,699 रहने वाला है, मॉडल स्कूल शिक्षक के लिए 979 रहने वाला है, और गृह, यहाँ कारा सिर्फ है, लेकिन यहाँ गृह कारा एवं आपदा विभाग में जो है IRB आरक्षी में 2810 पद फिर से आने वाला है। वायरलेस दरोगा के लिए भी फिर से 100 पद आने वाला है वैकेंसी। जी हाँ, और बहुत सारा जैसे औद्योगिक औद्योगिक बल में आरक्षी 172 पदों के लिए है, विशेष शाखा में आरक्षी 1012 पद, कक्षपाल पुरुष में नियुक्ति होना है, कक्षपाल में देखिए 1151 पद कक्षपाल में नियुक्ति होना है। और बैकलॉग का जो है, कक्षपाल में बैकलॉग का भी जो फॉर्म है वो है 112 में आने, 112 पदों के लिए आएगा बैकलॉग। और राजस्व विभाग में जो हम लोग राजस्व एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें फिर से राजस्व का देखिए आ रहा है, जिसमें अंचल निरीक्षक 108 है, अमीन 169 रहने वाला है, राजस्व कर्मचारी 557, निम्न वर्ग लिपिक 983, इस तरह करके बहुत सारा वैकेंसी। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, अमीन 154, निम्न वर्ग इलेक्ट्रिक, बैकलॉग 132, इस तरह करके और भी पद है। मैं अमीन फिर ये फिर 154 मतलब इसी विभाग में, और एक और यहाँ पद है, देखिए, कक्षपाल JEE, सॉरी, ये दूसरा आ गया अमीन में, ये और नगर विकास एवं आवास विभाग अब है, ये है, जी है, नगर विकास एवं आवास विभाग में JEE का 345 पद है। और हम लोग देखते हैं आगे, निम्न वर्गीय लिपिक जिसमें 261 है, और सेनेटरी सुपरवाइजर जिसमें 640 पद हैं, और निरीक्षक 180, जी हाँ, राजस्व निरीक्षक, ये है राजस्व निरीक्षक 180 पद के लिए वैकेंसी बहाली होने वाला है। और है श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग, देखिए अलग अलग विभाग में अलग अलग वैकेंसी है, जिसमें से निम्न वर्ग के लिपिक 152 है, और अनुदेशक का 779 है, और कल्याण विभाग में भी आया है, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 139 है, और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक में 382 है कल्याण विभाग में। फिर कर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में प्रखंड कृषि पदाधिकारी 222 है, क्रमिक विभाग में सचिवालय सहायक 104 पदों के लिए, और सचिवालय निरीक्षक लिपिक 172 पदों के लिए। उद्योग एवं खान विभाग में वरीय अंकेक्षक 112 के पदों के लिए, और खाद्य एवं उपभोक्ता मामले में विभाग जो है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में 274 पदों के लिए है वैकेंसी। इसमें अब लोग देखेंगे पथ निर्माण विभाग में, जिसमें कन्या अभियंता, सॉरी, यहाँ कुछ गलत टाइप हो गया, कनीय अभियंता होगा इसमें, कनीय अभियंता, इसमें 150 वैकेंसी है। और यहाँ देखेंगे जल संसाधन विभाग में, जिसमें से JEE सिविल हमको बोलेंगे उसको, 205 वैकेंसी है। ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिव का जो है 1687 पद, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, 1687 पद फिर से आ रही है। परिवहन विभाग में निम्न वर्ग या लिपिक 100 पदों के लिए है, उत्पाद एवं निषेध विभाग में 518, जिसमें उत्पाद सिपाही के लिए जो हम लोग फॉर्म भरे हुए हैं और भी फिर से आ रहा है 518 सिपाही के लिए। फिर महिला बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक 208, और संख्या की सहायक 158, इस तरह करके वैकेंसी और भी है इसमें वैकेंसी। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे, सहायक
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला पर्यवेक्षक 270 है, फार्मासिस्ट 296, परिचारिका 266, इस तरह करके। और योजना सह वित्त विभाग में, ये योजना सह वित्त विभाग में वरीय अंकेक्षक का जो है इसमें 112 पोस्ट है। इस तरह करके बहुत सारा वैकेंसी है, आप लोग तैयारी में लगे रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको समय समय पर आपको ज़रूरत पड़ेगा ही झारखंड करंट अफेयर्स का, तो मैं इसमें झारखंड के करंट अफेयर्स को भी अपडेट करूंगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। झारखंड के करंट अफेयर्स हमने 5 वॉल्यूम अपने अपलोड किया हूँ, और जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों का परीक्षा एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के झारखंड के लिए, कोई भी एग्ज़ाम झारखंड का नेक्स्ट होगा आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आप लोग अगर यदि देखना चाहते हैं करंट अफेयर्स को, तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जा कर के करंट अफेयर्स का दिया हुआ है 1 से 5 वॉल्यूम तक, आप लोग उसे देख सकते हैं। और यदि अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि मैं आप लोगों को समय टू समय अपडेट देता रहूँ झारखंड के रिक्तियों के बारे में। झारखंड शिक्षक पारा टीचर किसी भी जानकारी हो तो मैं आपको ज़रूर समय पर समय देते रहूँगा। धन्यवाद।